भारत को न केवल आंतरिक रूप से बल्कि बाहरी ताकतों से भी सुरक्षा खतरों का सामना करना पड़ता है, जो समाज के विभिन्न वर्गों के बीच सद्भाव को बाधित करने का खतरा पैदा करते हैं, जिस त्रिराष्ट्रीय संसाधनों की मांग को बढ़ाया है और राज्य पुलिस और सुरक्षा बलों पर बहुत दबाव डाला है। राष्ट्रीय सुरक्षा केंद्र में होने के कारण इन खतरों से निपटने के लिए ध्यान केंद्रित किया जाता है, जिससे आंतरिक सुरक्षा में अधिक मांग पैदा होती है। निजी सुरक्षा क्षेत्र ने अपनी विशाल जनशक्ति के साथ अब इस शून्य को भरने के लिए बड़ा कदम बढ़ाया है। सुरक्षा क्षेत्र अपनी आवश्यकताओं के अनुसार संसाधन उपलब्ध कराकर विभिन्न क्षेत्रों में कटौती करता है। एविएशन से लेकर ऑटोमोबाइल तक, बैंकिंग से कंस्ट्रक्शन तक, हॉस्पिटैलिटी से माइंस तक, ऑयल एंड गैस से लेकर ट्रांसपोर्टेशन तक, ये सेक्टर हर जगह एक बड़ी भूमिका निभाता है। निजी सुरक्षा उद्योग भारत में सबसे बड़े नियोक्ताओं में से एक है, जो लगभग 8.9 मिलियन लोगों को रोजगार देता है, जिसमें 2022 तक 3.1 मिलियन और अधिक रोजगार देने की क्षमता है। लेकिन इसके सामने आने वाली चुनौतियों को स्वीकार करने और उनका सामना करने के लिए पर्याप्त प्रशिक्षण, उपकरण और प्रेरणा की आवश्यकता है। प्रबंधन एवं उद्यमिता और व्यावसायिक कौशल परिषद MEPSC निजी सुरक्षा एजेंसी में कौशल के लिए नोडल उद्योग निकाय है, जिसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि इस क्षेत्र में रोजगार पाने वाले पेशेवरों को सक्षम रूप से प्रशिक्षित किया जाए और वे इसे पूरा करने में सक्षम हो। उद्योग की जरूरतें, जिससे उत्कृष्टता की अकादमियों का निर्माण हो। आने वाले वर्षों में निजी सुरक्षा क्षेत्र का विस्तार होना तय है। ये सुरक्षा, सद्भाव और सबसे ऊपर सुरक्षा लाकर कानून प्रवर्तन एजेंसियों को और मजबूत करेगा।